जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, इस शख्स को आप अच्छे से जानते होंगे। इस शख्स का नाम है वसीम रिजवी। इस शख्स ने अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका डाली थी। उस याचिका के अंदर उसने कहा था कि कुरान शरीफ में 26 ऐसी आयतें हैं जो बदलनी चाहिए, जिससे भारत के अंदर और दुनिया भर के अंदर आतंकवाद फैलता है। जो खलीफा आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उन्होंने उन आयतों को जोड़ा था अपने पास से, इस शख्स का कहना है। और इसीलिए इसका कहना यह है कि 26 आयतें कुरान शरीफ में ऐसी हैं जो बदलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी। दोस्तों मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, भारत का मुसलमान ही नहीं दुनिया भर का मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, आंदोलन कर रहा था, FIR दर्ज हुई अलग अलग राज्यों में वसीम रिजवी के खिलाफ। दोस्तों वसीम रिजवी अक्सर ये ऐसे ही बयान देता रहता है, ऐसी याचिकाएं डालता रहता है, मैं आपको बताऊं सच्ची दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वसीम रिजवी जो है वो पूर्व चेयरमैन है शिया बोर्ड का दोस्तों। और दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका डाली थी वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ के खिलाफ 26 आयतें बदलने के लिए, दोस्तों उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ना तो अच्छी ना बुरी कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया इस याचिका पे, याचिका को कर दिया खारिज। वहीं दोस्तों याचिका को खारिज करने के बाद वसीम रिजवी के ऊपर एक बड़ा फैसला भी दिया। वसीम रिजवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। वसीम रिजवी को जुर्माना बनना होगा 50,000 रुपये का। ये जुर्माना जब लगाया जाता है जब कोई याचिका डालता है जिसका कोई मतलब नहीं होता और जिससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, इसलिए उस याचिकाकर्ता के ऊपर जुर्माना लगा देता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए वसीम रिजवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका जो डाली थी उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। वसीम रिजवी ने मुँह की खाई है, FIR दर्ज हो गई हैं कितने थानों के अंदर, कितने राज्यों के अंदर, और 26 आयतें जो बदलनी थी कुरान शरीफ की, जो जब से इस्लाम आया है, जब से कुरान शरीफ आया है, जब से कोई भी इंसान चाहे कितने मुसलमान के अंदर फिरके हैं, वो कोई नहीं कहता है कि कुरान शरीफ में कोई हर्फ भी चेंज होना चाहिए, पर ये शख्स कह रहा है कि 26 ऐसी आयतें हैं जो बदलनी चाहिए। चलिए दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रयास जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।